आज है संडे तो कुछ स्पेशल बनाना और खाना तो बनता है। तो चलिए आज हम लोग बनाते हैं आलू से बना बहुत ही सुंदर दिखने वाला और क्रिस्पी नाश्ता। तो इसके लिए मैंने उबले हुए आलू ले लिए हैं, उसमें थोड़ा सा कटा हुआ प्याज, थोड़ा सा पनीर, हरा धनिया, नमक, मिर्ची, थोड़ा सा जीरा भुना हुआ, चाट मसाला डाला है। अब इन सबको डाल के आप अच्छे से मैश कर ले। मैश करने के बाद आप इसकी छोटी सी लोई लेके उसकी कटोरी जैसे बनाए, बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होता है। अब यहाँ पर हमें लेना है मैदा, थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर, उसमें थोड़ा काली मिर्च और नमक मिला के इसे पतला स्लरी की तरह बना ले। साथ में हमें लेना है भुना हुआ सेवई। अब देखिए इस कटोरी को मैंने स्लरी में डिप किया है, उसके बाद इसमें सेवई कोट कर दे और ये हमारा बन गया बर्ड नेस्ट। अब इसे आप थोड़ी देर फ्रीजर में सेट होने के लिए रख दें। अब यहाँ एग बनाने के लिए मैंने थोड़ा सा पनीर और उसमें थोड़ा कॉर्नफ्लोर मिक्स किया है, साथ में नमक मिर्ची में ऐड किया है। इसका बॉल बना के फ्राई कर लें। साथ ही हम बर्ड का नेस्ट भी फ्राई कर लेंगे। ये देखिए हमारा बर्ड का नेस्ट भी फ्राई हो गया। इसमें मैंने थोड़ा सा ग्रीन चटनी, लाल चटनी, थोड़ा सा पनीर और हरा धनिया रखा है। उसके ऊपर जो बॉल्स बनाए थे, एग बनाए हैं, वो रख दीजिए। और हमारा ये क्रिस्पी सा बहुत ही टेस्टी नाश्ता बन के रेडी हो गया है। अगर आपको ये चटपटा नाश्ता पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।